जब मैंने इन्वेस्टिंग करना शुरू ही किया था उसके कुछ ही महीनों बाद मुझे कॉल आया। कॉल पर एक शख्स था जिसने कहा कि मैं एक स्टॉक मार्केट एडवाइजरी कंपनी से बात कर रहा हूँ, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? मैंने कहा हाँ करता हूँ। फिर उस शख्स ने कहा कि मैं आपको स्टॉक मार्केट से रेगुलर रिटर्न्स कमा कर दे सकता हूँ, डेली 1% रिटर्न। उस शख्स की ये बातें सुनकर मुझे पता चल गया कि ये एक फ्रॉड कॉल है और फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद भी मुझे कई सारे ऐसे कॉल्स आते रहे। जब आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे तब आपको भी ऐसे कॉल्स आएंगे और आपको इसमें बिल्कुल भी फंसना नहीं है। तो साल में 245 डेज स्टॉक मार्केट खुला रहता है। ये लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको डेली 1% रिटर्न कमा कर देंगे, जिसका ही मतलब है कि साल का 245% रिटर्न, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो मैं इन लोगों से यही कहता हूँ कि आप बैंक से 12-15% का इंटरेस्ट रेट बैंक सालाना आपको चार्ज करती है, इस इंटरेस्ट रेट पर आप बैंक से लोन ले लीजिए, उस पर आप इतना सालाना रिटर्न कमाइए 245% का, और इसमें से जो भी इंटरेस्ट रेट लेट से 15% का इंटरेस्ट रेट आपने पे किया बैंक को, तो 230% उसके बावजूद भी आप रिटर्न यहाँ पर साल में कमा लोगे। और इसके लिए आपको ना किसी को कॉल करने की ज़रूरत है और ना ही किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत है, बस बैंक से आप पैसा लीजिए और यहाँ पे इन्वेस्ट करके खुद ही पैसा कमा लीजिए। क्यों लोगों को कॉल करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है? ये लोग आपको ये भी प्रॉमिस करेंगे कि आप हमारी कुछ फ्री ट्रायल टिप्स ले लो और हमारी टिप्स की एक्यूरेसी इतनी है कि आप फिर हमारा पैकेज ले ही लोगे। कई बार इनकी एक्यूरेसी 100% भी निकल कर आती है। उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रहती है, चलो उसे भी देख लेते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के उस स्कैम्स के बारे में, डूज एंड डोंट्स यानी कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में, साथ ही कुछ ऐसे हिडन चार्जेस के बारे में जो काबिलियत रखते हैं आपका पूरा प्रॉफिट खत्म करने की। इस बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज में हम स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखा रहे हैं, तो जरूर इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बड़ी आसानी से पूरा स्टॉक मार्केट सीख सके। चलो तो बात करते कि ये लोग जब बोलते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 100% है तो वो ये कैसा करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी ट्रिक है, इस ट्रिक को समझ लेते हैं। मान लेते कि 1000 लोगों को ये लोग एडवाइस भेज रहे हैं, कुछ ट्रायल टिप्स भेज रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि इसमें से 50% यानी 500 लोगों को क्या बोलेंगे कि आप कोई शेयर बाय करो। मान लेते उस शेयर का नाम है TCS, तो उन्होंने बोल दिया कि TCS 500 लोग बाय करो, 500 लोगों को क्या बोलेंगे, आप TCS को सेल कर दीजिए, सेल TCS। अब क्या होता है कि स्टॉक मार्केट ज़्यादातर टाइम या तो ऊपर जाएगा प्राइस या फिर नीचे आएगा, वही की वही बहुत ही कम बार होता है कि प्राइस वही के वही है। मान लेते कि प्राइस ऊपर चली गई तो क्या हो गया कि जिन 500 लोगों को बोला गया कि आप बाय करो उनके एडवाइस तो सही चली गई, उनको लगा कि हाँ यार इन्होंने जो टिप दी है वो काफ़ी सही चली गई है। इसके बाद ये लोग क्या करेंगे कि इनको कुछ नहीं भेजेंगे, बिकॉज इनकी जो एडवाइस इनको दी गई है वो फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। इनको बोला कि सेल किया जाए लेकिन प्राइस गिरने की बजाय बढ़ गई। अब यहाँ पर सही जाने के बाद यहाँ पर अगेन दो पार्ट्स में इनको डिवाइड करेंगे, 250 लोगों को बोलेंगे किसी एक स्टॉक को बाय करने के लिए और 250 लोगों को बोलेंगे कि किसी एक स्टॉक को आप सेल करो। मान लेते कि उस स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, तो इन्फोसिस को इन्होंने बोला कि 250 लोग बाय के लीजिए, 250 लोग सेल कीजिए। मान लेते कि प्राइस नीचे चली जाती है बढ़ने की बजाय, तो इन लोगों की जो एडवाइस है वो सही हो जाती है। देखो स्टॉक जब आपको कहा जाता है कि बाय करो उसका मतलब है कि स्टॉक प्राइस बढ़ेगी, जब आपको कहा जाता है कि स्टॉक प्राइस सेल करो यानी शॉर्ट सेल करो तो उसका मतलब है कि स्टॉक प्राइस नीचे जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया कि स्टॉक प्राइस सेल करो और प्राइस सही में नीचे चली गई, तो इन लोगों के लिए एडवाइस सही चली गई। तो ये 250 लोग क्या सोचेंगे, ये 250 लोग इनके क्लाइंट्स है, टारगेट कस्टमर है जिनको ये पैकेज के लिए फिर अप्रोच करेंगे। फिर ये लोग इन 250 लोगों को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि देखो हमने आपको पहले बोला कि TCS बाय करो, प्राइस ऊपर चली गई, हमने फिर आपको बोला कि इन्फोसिस सेल करो, अगेन एडवाइस आपकी सही चली गई। तो यहाँ पर दोनों भी एडवाइसेस हमारी सही चली गई, 100% हमारी एक्यूरेसी है, सो लेट्स इन्वेस्ट। हमारा आप 7,000-10,000 समथिंग का पैकेज आपको बोलेंगे और बोलेंगे कि आप इसे खरीद लीजिए, और इस तरह से जो ये जो लोग हैं ये फंस जाते हैं इसमें, ये सोचकर कि फिर इनकी एक्यूरेसी 100% है। जैसे ही पैसा देते तो इनको पता चल जाता है कि रियलिटी क्या है, लेकिन तब तक हो जाती है देर। एक बार एक किसान ने यानी फार्मर ने मुझे बताया कि एक बार उन्हें कॉल आया था, कॉल में उन्हें बताया गया कि उन्हें इस तरह की स्टॉक टिप्स प्रोवाइड की जाएगी, उन्होंने भी ट्रायल्स ली, 100% एक्यूरेसी रही, उन्होंने फिर 10,000 रुपये पे किए और उनका पैकेज लिया। पैकेज लेने के बाद उनको पता चला कि प्रॉफिट की बजाय यहाँ पर तो लॉस ही हो रहा है। फिर एडवाइजरी का जब कॉल आया तो उन्होंने उनको बताया कि हमें तो लॉस हो रहा है, तो एडवाइजरी ने इनको बताया कि हमारे और भी एक सीनियर बड़े एक्सपर्ट हैं जो जिनकी एक्यूरेसी कभी 90% से नीचे गई नहीं है, उनकी आप टिप ले लीजिए, 25,000 बस आप पे कर लीजिए, मैं आपको प्रीमियम एक्सेस दे दूंगा। फिर ये मुझसे पूछने लगी क्या मुझे वो करना चाहिए। तो इस तरह के अलग अलग जो ट्रिक्स हैं, अलग अलग तरीके हैं
ये जो फ्रॉड कंपनीज हैं लेकर आती है आपके लिए और फिर लोग फंस जाते हैं, फिर अपना जो लॉस हुआ है उसे रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा पैसा वो खो देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल मत कीजिए, और आप अगर खुद से ही इन्वेस्ट कर पाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सीधा म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो। इसी तरह किसी और के टिप्स और ट्रायल्स पर डिपेंड रह के आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अब बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में, जो एक हिडन चार्ज की तरह माना जाता है। कई बार इस चार्ज के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, और इसे चार्ज की वजह से कई बार आपको नुकसान भी हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। कई बार जो बिगिनर्स होते हैं वो 100-200 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, और कुछ 500-1000 रुपए से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट छोटी अमाउंट से शुरू करने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस अमाउंट के शेयर्स को बेचते हो तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी कभी आपके पास छुट्टा पैसा बचता है तो उससे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उस टोटल छोटी अमाउंट के शेयर्स को बेचिए मत। अगर आप उन्हें डिलीवरी में बेचते हो तो आपको ऐसे हिडन चार्जेस लगते हैं जो आपका पूरा प्रॉफिट ख़त्म करने की काबिलियत रखते हैं। अब ये डिलीवरी क्या होता है उसे भी जल्द समझते हैं। उससे पहले हम इस इम्पॉर्टेंट चार्ज के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है डीपी, दैट इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज को समझने के लिए हमें इंट्राडे डिलीवरी क्या होता है इसे समझना होगा। इंट्राडे मतलब है कि जिस दिन शेयर्स को खरीद लिया है उसी दिन उन्हें बेच देना। फॉर एग्जाम्पल, आज शेयर्स खरीदे हैं तो आज ही उन्हें बेच देना, इसे इंट्राडे कहते हैं। वही डिलीवरी का मतलब है कि जिस दिन शेयर्स को खरीदा है वो दिन छोड़कर किसी और दिन शेयर्स को बेचना। फॉर एग्जाम्पल, आज शेयर्स को खरीदा है तो आज का दिन छोड़कर किसी भी दिन शेयर्स को बेचना, जैसे कि कल, परसों, एक महीने बाद, एक साल बाद या फिर 10 साल बाद। जहाँ तक डीपी चार्जेस की बात है तो वो सिर्फ डिलीवरी पर लगता है, और वो भी सिर्फ सेल साइट पर। डीपी चार्ज इंट्राडे पर नहीं लगता है। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के अलग अलग डीपी चार्जेस होते हैं। जनरली डीपी चार्जेस जीएसटी को ऐड करके 15-25 रुपये के बीच होते हैं। मान लेते हैं कि आपने जिस ब्रोकरेज फर्म के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोला है उनके डीपी चार्जेस 20 रुपीज़ हैं। तो यहाँ पर मान लेते कि आपके पास 100 रुपये हैं और आप 100 रुपये का कोई एक शेयर खरीद लेते हो, और उस शेयर की प्राइस 2-4 दिन बाद 110 रुपये हो जाती है। अब आप सोचते हो कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, क्यों ना इसे बुक कर लिया जाए, और आप उस शेयर को 110 रुपये की प्राइस पर बेच देते हो। यहाँ पर आप खुश हो जाओगे कि आपको 10% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो शेयर सेल करने के बाद जब आप अपना बैलेंस देखोगे तो वहाँ पर आपको लॉस दिखेगा। अब आप सोचोगे कि मुझे तो प्रॉफिट हुआ था पर यहाँ पर लॉस कैसे दिख रहा है। तो बात यह है कि उस 110 रुपये के शेयर्स को बेचते वक्त आपको 20 रुपये का डीपी चार्ज देना पड़ा, और साथ ही बाकी चार्जेस भी देने पड़े। अब इन डीपी चार्जेस को डिटेल में समझते हैं। जो पॉपुलर ब्रोकरेज फर्म्स है जैसे कि अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा, ये पर स्क्रिप्ट पर डे बेसिस पर डीपी चार्जेस लगाते हैं। पर स्क्रिप्ट पर डे का मतलब है कि एक दिन के अंदर किसी कंपनी के जितने भी शेयर्स आप डिलीवरी बेसिस पर बेचोगे उन पर आपको सेम ही डीपी चार्ज लगेगा। अब जैसे कि हमने बात की कि इंट्राडे पर डीपी चार्ज नहीं लगता है, तो इंट्राडे का यहाँ पर सवाल ही नहीं आता। लेकिन जिन शेयर्स को आप जिस दिन आपने उन्हें खरीदा है वो दिन छोड़कर किसी और दिन बेच रहे हो, तो वहाँ पर आपको डीपी चार्ज सेल करते वक्त देना ही देना है। अब पर स्क्रिप्ट पर डे का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने TCS के 50 शेयर्स सुबह 10 बजे बेचे, 50 शेयर्स 12 बजे बेचे और 50 शेयर्स 2 बजे बेचे, तो ऐसे कुल मिलाकर आपने 150 शेयर्स बेचे, लेकिन इन 150 शेयर्स पर आपको सिर्फ 20 रुपये का ही डीपी चार्ज लगेगा। यानी एक दिन के अंदर आप किसी एक कंपनी के कितने भी शेयर्स बेचिए आपको सेम डीपी चार्ज लगेगा। यानी अगर आप TCS का एक शेयर बेचो, 10 बेचो या 100 बेचो, डीपी चार्ज आपको सिर्फ 20 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप TCS के 50 शेयर्स आज बेच रहे हो और 50 शेयर्स कल बेच रहे हो, तो आपको दोनों जगह अलग अलग यानी 20-20 रुपये अलग अलग डीपी चार्ज पे करना होगा। अगेन, अगर आप एक दिन के अंदर अलग अलग कंपनीज के शेयर्स बेच रहे हो डिलीवरी में, तो उन पर भी आपको अलग अलग डीपी चार्ज देना होगा। अगर आप TCS के आज 50 शेयर्स बेचते हो और इन्फोसिस के 50 शेयर्स बेचते हो, तो उन पर आपको 20-20 रुपये ऐसे अलग डीपी चार्ज देना होगा। देखो, डीपी चार्ज पर शेयर बेसिस पर नहीं लगता है, ये ओवरऑल लगता है। तो आप एक शेयर बेचो, 100 बेचो, 1000 बेचो, डीपी चार्ज आपको 20 रुपये लगेगा। तो आशा करता हूँ कि पर स्क्रिप्ट पर डे का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस बारे में मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग में था तब मैंने कुछ पेनी स्टॉक्स खरीदे थे, जिनके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी, और उनमें से ही एक था 3i इन्फोटेक। 3i इन्फोटेक के 200 रुपये के शेयर्स मैंने खरीदे थे। उस टाइम 3i इन्फोटेक की शेयर प्राइस चल रही थी 8 रुपये पर शेयर। 200 रुपये में मुझे करीब 25 शेयर्स मिल गए। कुछ दिनों बाद कंपनी की शेयर प्राइस बढ़कर 9 रुपये हो गई। अब मुझे लगा
कि मेरे 25 शेयर्स पर मुझे एक एक रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और मेरी इन्वेस्टमेंट अब 200 रुपये से बढ़कर 225 रुपये हो गई है, तो मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए शेयर्स बेच दिए। लेकिन शेयर बेचने के बाद मैंने अकाउंट में देखा तो वहाँ पर 25 रुपये का प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। तो मैंने देखा कि ये कैसे हो गया, तो पता चला कि 20 रुपये के करीब तो मुझे DP चार्ज वहाँ पर लगा है और बाकी कुछ चार्जेस भी अलग से कट गए थे और उसके बाद सिर्फ 2-4 रुपये का ही प्रॉफिट मुझे वहाँ पर मिल गया। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये है कि जब भी आपके पास छोटी मोटी अमाउंट आती है, 500 रुपये कभी बच जाते हैं, 1000 रुपये बच जाते हैं, तो उन्हें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन छोटी अमाउंट को कभी भी सेल मत कीजिए। बिकॉज खरीदते वक्त DP चार्ज नहीं लगता है, वो सिर्फ डिलीवरी में सेल करते वक्त लगता है। इसलिए आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि छोटी अमाउंट यानी 200 रुपये, 500 रुपये ऐसे टोटल अमाउंट के शेयर्स ना बेचे जाए। आप खरीदते रहो, अक्यूमुलेट करो, क्योंकि अगर आप 200 रुपये के शेयर्स बेचो या फिर 20,000 के, DP चार्ज तो सेम ही आपको लगना है। तो आप शेयर्स को अक्यूमुलेट करो, जिन शेयर्स पर आप कॉन्फिडेंट हो, जिन कंपनीज पर कॉन्फिडेंट हो, उनके शेयर्स खरीदो और फिर एक साथ ही उन्हें बेचने की कोशिश करो बड़ी अमाउंट में, ताकि DP चार्ज की वजह से आपका प्रॉफिट सारा खत्म ना हो जाए। DP चार्जेस को आप एक तरह के हिडन चार्जेस भी कह सकते हो, बिकॉज ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स इसे हाइड करने की ही कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर पूरा ध्यान रखिए कि DP चार्जेस की वजह से आपका पूरा प्रॉफिट कहीं चला ना जाए। अब बात करते हैं बाकी चार्जेस के बारे में। इसके अलावा भी कई सारे चार्जेस हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट चार्जेस तो कई सारे हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो जब डीमैट अकाउंट की बात आती है तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ चार्जेस होते हैं जो जनरली वन टाइम होते हैं या फिर साल में एक बार लगते हैं। जैसे अकाउंट ओपनिंग चार्ज हो गया, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हो गया। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 150-200 रुपये से लेकर 600 रुपये तक अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के अलग अलग हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो तरीके के ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं और इन दोनों तरीके के ब्रोकरेज फर्म्स के ब्रोकरेज चार्जेस बहुत अलग होते हैं। एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स, एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स। फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म आपको अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, जो आपको हर टाइम हेल्प करेगा ऑर्डर प्लेस करने में और बाकी चीज़ों में भी हेल्प करेगा। साथ ही फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स के कई सारे ऑफिसेज होते हैं अलग अलग सिटीज़ में। अब इन दो चीज़ों की वजह से इनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स के पास आपको ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस पे करने होते हैं। ICICI सिक्योरिटीज़, IIFL, शेयर खान, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स के। वही डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना ही इनके बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, बहुत ही लिमिटेड 1 या 2 इनके ऑफिसेज होते हैं। और फिर इन चीज़ों की वजह से इनके खर्चे कम हो जाते हैं और इसीलिए इनके ब्रोकरेज चार्जेस भी कम होते हैं। जहाँ तक डीमैट अकाउंट खुलने की बात है, तो आप अपस्टॉक्स इस डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अपस्टॉक्स के ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही कम हैं। इंट्राडे के लिए वो 0.05% और 20 रुपीज, इनमें से जो कम रहेगा वो आपको चार्ज करते हैं। वही डिलीवरी के लिए उनका कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं है। फिलहाल अपस्टॉक्स इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रोकरेज फर्म है। जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, तो अपस्टॉक्स एक रतन टाटा फंडेड कंपनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपस्टॉक्स के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जिसके बाद आपको हमारी तरफ से अमेज़न का वाउचर मिलेगा, जिसे आप अमेज़न पर कुछ भी खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपको 200 रुपये से ज़्यादा का ही गिफ्ट वाउचर मिलेगा। एग्जैक्टली कितने रुपये के ये वाउचर रहेगा, उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब बात करते हैं कई तरह के अलग अलग जो चार्जेस हैं उनके बारे में। यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज, STD, ट्रांजेक्शन चार्ज, इस तरह के अलग अलग चार्जेस हैं। ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो ब्रोकरेज फर्म चार्ज करता है। यहाँ पर हमने देखा कि अपस्टॉक्स के इंट्राडे के लिए ब्रोकरेज चार्जेस इतने हैं, 0.05% और 20 रुपीज़, इनमें से जो कम वो, और डिलीवरी के लिए 0 है। STD जो है वो गवर्नमेंट को जाता है। इंट्राडे के लिए STD है 0.025% ओनली सेल साइड पर। देखो, ब्रोकरेज आपको बाय साइड सेल साइड दोनों पर देना होगा। STD आपको इंट्राडे में सिर्फ सेल साइड पर है, सेल करते वक्त ही लगेगा, शेयर खरीदते वक्त नहीं लगेगा। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज है वो आपको डिलीवरी पर 0.1% लगता है, बाय साइड सेल साइड दोनों पर। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन चार्ज। ये NSE और BSE यानी स्टॉक एक्सचेंजेस चार्ज करते हैं। सो NSE का जो चार्ज है ये कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो, 0.00345% पर ट्रेड, बाय साइड सेल साइड दोनों के लिए, और ये इंट्राडे डिलीवरी दोनों के लिए सेम है। उसके बाद आता है DP चार्ज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज जिसे कहते हैं। DP चार्ज चार्ज करता है NSDL और CDSL जो कि डिपॉजिटरीज हैं। तो यहाँ पर अपस्टॉक्स चार्ज करता है DP चार्ज 18.5 रुपीज़ पर स्क्रिप पर डे। ये सिर्फ सेल साइड पर चार्ज किया जाता है, जैसे कि हमने पहले ही देखा, और इंट्राडे के लिए कोई भी DP चार्ज यहाँ पर नहीं लगता है। ये जो 18.5 है, इसमें से कुछ हिस्सा डिपॉजिटरी के पास जाता है, जहाँ पर आपके शेयर एक्चुअली स्टोर किए जाते हैं। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के जरिए आप सिर्फ स्टॉक खरीद और बेचते हो, जो वो स्टोर किए जाते हैं डिपॉजिटरीज के पास। उसके बाद GST जो अगेन गवर्नमेंट को जाता है, GST आपको ब्रोकरेज चार्ज पर लगता है।
ये जो ट्रांजेक्शन चार्ज है NACBC चार्ज कर रहे हो उस पर लगता है, और जो DP चार्ज है उस पर लगता है। तो 18% का GST आप यहाँ पर देख लो। इंट्राडे के लिए DP चार्ज नहीं है, तो सिर्फ ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्ज पर आपको 18% का GST लगेगा। उसके बाद SEBI भी अपना चार्ज यहाँ पर लगाती है, जो कि 5 रुपीज़ पर करोड़ है इंट्राडे और डिलीवरी दोनों के लिए सेम। और उसके पास स्टैम्प ड्यूटी है जो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। हर किसी का अपना अपना चार्ज यहाँ पर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो स्टैम्प ड्यूटी है वो 0.015% और 1500 रुपीज़ पर करोड़ ऑन बाय साइड, ये है डिलीवरी के लिए। और इंट्राडे के लिए 0.003% और 300 रुपीज़ पर करोड़ ऑन बाय साइड। तो आप ब्रोकरेज फर्म के बात करोगे तो उनका मेनली एक ही चार्ज होता है ये, और थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पर आ सकता है, लेकिन इसका भी ज़्यादातर हिस्सा, कई सारा पार्ट डिपॉजिटरी के पास चला जाता है। वही अगर आप बाकी चार्जेस देखो तो स्टैट्यूटरी चार्जेस हम कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट के पास या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं। तो इस चार्ज पर आपको सबसे ज़्यादा नज़र आपकी होनी चाहिए, लेकिन बाकी सर्विसेज भी आपको ब्रोकरेज फर्म के उसके साथ देखनी है। अब ये सारे चार्जेस देखने के बाद देखते हैं कि 10,000 रुपये की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको किस तरह के चार्जेस यहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर लेट से कि आप कोई शेयर खरीद रहे हो, 10,000 रुपये के शेयर्स खरीद रहे हो और 10,000 रुपये पर ही आप उन्हें बेच रहे हो, तो किस तरह के चार्जेस आपको लगेंगे। तो डिलीवरी पर आपको कुछ इस तरह के चार्जेस लगेंगे। ब्रोकरेज चार्ज तो डिलीवरी के लिए अपस्टॉक से कोई नहीं है। STT आपको इतना लगेगा 20 रुपीज़, 10 रुपये बाय साइड, 10 रुपये सेल साइड पर। ट्रांजेक्शन चार्जेस टोटल 0.69 रुपीज़, और इस तरह के बाकी चार्जेस आपको लगेंगे। कुल मिलाकर ये होता है 23.82। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है DP चार्जेस। तो 23.82 में आप DP चार्ज लगा दोगे, 18.5 प्लस GST, जो कि 21-22 रुपये के करीब चला जाएगा। तो 45 रुपीज़ के करीब आपके 10,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पर टोटल चार्जेस चले जाते हैं। तो अगर आपको डिलीवरी में 10,000 रुपीज़ के ऊपर प्रॉफिट कमाना है तो आपको 10,045 इस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट पर शेयर सेल करने होंगे, तभी आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि 45 रुपीज़ लगभग आपके चार्जेस में ही जा रहे हैं, और उसके बाद आपका एक्चुअल प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे पर आप 10,000 रुपीज़ के शेयर्स खरीदते हो, 10,000 के बेचते हो, तो टोटल चार्जेस आपको लगते हैं ब्रोकरेज 10 रुपये और बाकी अलग अलग चार्जेस मिलकर आपको 15.72 रुपीज़ के चार्जेस लगते हैं। तो इंट्राडे में आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो आपको लगभग 10,016 रुपीज़ के ऊपर की प्राइस पर शेयर बेचने पड़ेंगे, तब जाके आप यहाँ पर कमा पाएंगे अपना प्रॉफिट। तो इस तरह के सारे चार्जेस, इन सारे चार्जेस और पहली जो चार्ज लिस्ट है और ये जो कैलकुलेटर है, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, आगे आपको बहुत काम में आएंगे। अब बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, यानी स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद स्मॉल अमाउंट, छोटी छोटी अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी सेविंग कई बार हो जाती है 100 रुपये, 500 रुपये, उससे भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। बस डोंट सेल स्मॉल, छोटी अमाउंट को सेल मत कीजिए, बिकॉज DP चार्ज आपका सारा प्रॉफिट खा सकता है। तो एक बार वो अमाउंट अक्यूमुलेट हो गई बड़े में, देन यू कैन थिंक अबाउट सेलिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इधर डू योर ओन रिसर्च और गो फॉर म्यूचुअल फंड। खुद सा रिसर्च कीजिए या फिर सीधा म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। देखो, स्टॉक मार्केट उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद रिसर्च कर सकते हैं, खुद सीख सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको बैठे बैठे रिसर्च टिप्स चाहिए और आप सोच रहे हो कि कोई मुझे टिप देगा और उसके बेसिस पर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, तो लेट मी टेल यू कि वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कई सारे आप देखोगे TV चैनल पर एक्सपर्ट आते हैं, दिन भर वो बताते रहते कि ये स्टॉक खरीदो, वो स्टॉक बेचो। कई सारे टेलीग्राम चैनल्स जो फ्री में टिप्स आपको देते हैं, वहाँ पर भी आपको टिप्स मिल जाएगी, लेकिन ये टिप्स काम नहीं करती है। अगर आप इनकी एक्यूरेसी देखते हो, कोई एक्यूरेसी कैलकुलेट नहीं करेगा, लेकिन इनकी एक्यूरेसी बड़ी ही एवरेज और ख़राब क्वालिटी की होती है। वो खुद भी पैसा नहीं बना चुके होते हैं जो लोगों को बताते हैं कि ये स्टॉक खरीदो या फिर वो स्टॉक बेचो। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर खुद से हो पाता है तो ही स्टॉक मार्केट आपके लिए, नहीं है तो सिंपल सा ऑप्शन म्यूचुअल फंड आपके लिए है, जहाँ पर एक एक्सपर्ट आपका पैसा मैनेज करता है। इंडिया में जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें कई सारे टॉप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जो आपका पैसा मैनेज करते हैं, और उसके बदले में 0.5% से लेकर 1.5% तक की फ़ीस लेते हैं। अगर वो आपको अच्छे रिटर्न्स लेकर दे रहे हैं तो कुछ फ़ीस भी ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो आप प्रोफेशनली पैसा मैनेज करवा सकते हो इनसे, अगर आपको इसमें डायरेक्टली नहीं करना है। तो ये सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो लोग आपको फेक टिप्स देते हैं या फेक एडवाइजरी सर्विसेज बताते हैं, उनके प्रोमिसेस कितने झूठे होते हैं। उन्होंने आपको बोला कि 245% यानी दिन का 1% रिटर्न आपको कमा कर देंगे। 15% ले लीजिए कि बैंक का उन्होंने डिडक्ट कर लिया इंटरेस्ट लेकर, तो 230% उनका बच गया। तो 230% लेट से आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, या फिर वो जो बंदा आपको टिप देने वाला है तो वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, साल का 230% कमा लेता है इंटरेस्ट, और ईयर्स है 30 ईयर्स के लिए वो पैसा यहाँ पर डाल देता है। तो टोटल जो अमाउंट निकल कर आएगी 30 साल बाद, 10,000 रुपये की जो फाइनल वैल्यू रहेगी वो रहेगी ये। अब ये टोटल अमाउंट कितनी होती है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं तो यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसे।
मेरे हिसाब से अगर ये 230% आप 10,000 रुपये से भी इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ 10,000 रुपये, तो 230% के हिसाब से 30 साल बाद वॉरेन बफेट ही क्या, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन जाओगे, शायद आप हिस्ट्री के भी अब तक के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाओगे। तो इतनी पावर सिर्फ उस 230% के एनुअल रिटर्न में है। तो इस तरह के ये झूठे वादे होते हैं कैलकुलेशन की मदद से, आप इन्हें समझ सकते हो और इन पर आप भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद बात करते हैं कुछ और डूज एंड डोंट्स के बारे में, जैसे कि पेनी स्टॉक्स। इन पर आप, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि इन्फॉर्मेशन ही बहुत ही लिमिटेड है, तो आप सही से एनालिसिस यहाँ पर नहीं कर सकते हो, तो ये भी आप कर दीजिए अवॉइड। तो ये सारी चीज़ें हैं कुल मिलाकर जो आपको फॉलो करनी है स्टॉक मार्केट में, और छोटी अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बड़ी अमाउंट आज की डेट में ज़रूरी नहीं है। पहले कहा जाता था कि स्टॉक मार्केट मतलब बड़ी अमाउंट, और अगेन स्टॉक मार्केट उन्हीं के लिए जो खुद रिसर्च करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में हम एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे। और जहाँ तक अगले लेक्चर की बात है, तो अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं IPOs के बारे में, IPOs क्या होते हैं, कैसी अलॉटमेंट वहाँ पर होती है, साथ ही किस तरह के रिटर्न्स वहाँ पर अब तक मिलते हैं और कितनी एक्यूरेसी अब तक रही है, प्रोबेबिलिटी क्या है IPO में पैसा बनाने की, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बातचीत होगी। उसके अलावा हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के डिफरेंस को समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के तरीके यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। और उसके बाद जो उसका अगला पार्ट रहेगा, यानी बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 7, उसमें हम टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो आपको प्रॉफिट होता है, कितना टैक्स आपको उस पर पे करना है, तो इस सारे टैक्सेस के बारे में बात करेंगे, साथ ही कहां पर आप टैक्स बचा सकते हो उसकी भी वहां पर बात होगी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, इस तरह के स्कैम से आप बच के रहिए जिनके बारे में आज हमने बात की। तो बस यहीं पर रुकते हैं आज, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।